पीड़ाएं, पेन शब्द आएगा पीड़ाएं, दुख, ग्रोइंग पेन्स, बढ़ती हुई पीड़ाएं, किशोर अवस्था की बढ़ती हुई पीड़ाएं। जैसे जैसे एक बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तो उसकी पीड़ाएं भी बढ़ती जाती है, यानी चेहरे पर तीर मुहासे आने लगते हैं, आवाज का भारीपन हो जाता है, वह अपने यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए उत्साहित होता है। इस प्रकार की जो पीड़ाएं हैं अपने माता पिता के प्रति, जो इस प्रकार से बढ़ती हुई पीड़ाएं हैं उनके बारे में आज अध्ययन करते हैं। ग्रोविंग पेन्स, ग्रोविंग अप पेन्स यानी बढ़ती हुई पीड़ाएं, किशोर अवस्था की पीड़ाएं। लाइफ इज हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, कठिन, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ यानी मैं अपने आप से कहता हूँ, लाइफ इज हार्ड, आई टेल माई सेल्फ, जीवन कठिन है, आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, मिरर का अर्थ होता है दर्पण। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर यानी जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि जीवन कठिन है। एंड वॉच एक्नी, एक्नी का अर्थ होता है मुहासे, चेहरे पर जो कील मुहासे हो जाते हैं उनको बोलते हैं एक्नी। एंड वॉच एक्नी, और इन मुहासों को देखता हूँ। देट ड्रीडेड स्कम ऑफ ए डिजीज यानी जो एक भयानक बीमारी का कारण है, स्कम ऑफ ए डिजीज बीमारी का कारण है, रेडेड यानी भयानक, जो एक भयानक बीमारी का कारण है। प्लेइंग हेवोक, हेवोक का अर्थ हो जाए विनाश करना। प्लेइंग हेवोक विथ माई फेस, जो मेरे चेहरे के साथ विनाश करने के लिए खिलवाड़ कर रही है, यानी जो कील मुहासे है वह मेरे चेहरे के साथ खिलवाड़ कर रही है। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई कुड ड्राइव द पिम्पल, पिम्पल्स का अर्थ होता है फुंसियाँ, पिम्पल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से विथ ए वेव ऑफ द हैंड, वेव ऑफ द हैंड का मतलब हाथ फेर कर, मैं चाहता हूँ कि मैं हाथ फेर कर इन सभी फुंसियों को ड्राइव यानी दूर कर दूँ, दूर भगा दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चेहरे पर हाथ फेर कर इन सभी फुंसियों को दूर कर दूँ, दूर भगा दूँ। देन आई टेल माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप से कहता हूँ। देट एक्नी इज ए टेम्परेरी रेवेज, कि ये मुहासे इज ए टेम्परेरी यानी अस्थाई, रेवेज यानी दरार है, यानी ये मुहासे, मुहासे अस्थाई रूप से जो मेरे चेहरे पर खिलवाड़ कर रहे हैं ये स्थाई रूप से नहीं है, अस्थाई रूप से है, अर्थात ये साफ हो जाएंगे। That makes life a little less comfortable for a teenager, जो एक किशोर के लिए, जो एक किशोर के लिए उसे थोड़ा सा कम आरामदायक बना देते हैं, यानी ये जो मुहासे हैं जो एक किशोर के जीवन को थोड़ा सा कम आरामदायक बना देते हैं। But it is a sure sign of a child मोल्टिंग इन टू एन एडल्ट, मोल्टिंग अर्थ होता है बदलना, लेकिन निश्चित रूप से ही यह एक बच्चे का एक वयस्क के रूप में बदलने का संकेत है, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार से चेहरे पर कील मुहासे आ जाना, पिंपल्स हो जाना, एक्ने हो जाना, ये एक बच्चे को एक बच्चे को वयस्क के रूप में बदलने का संकेत है। आगे देखो, लाइफ इज टफ, जीवन कठोर है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं दर्पण के सामने से टर्न अवे यानी दूर हट जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ। वेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी जब मैं अपना चेहरा दर्पण में देखता हूँ तो मुझे एक बिजली के बोल्ट के समान झटका लगता है, आघात पहुँचता है, चोट पहुँचती है, और मैं दर्पण के सामने से दूर हट जाता हूँ। माई वॉइस हैज टर्न रफ, मेरी आवाज़ खुरदरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट रोकस, रोकस का अर्थ हो जाएगा कर्कश यानी मेरी आवाज़ लगभग लगभग कर्कश हो गई है,
इट ग्रेट्स, यह चुभती है। इफ आई मे एड, यदि मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ खुरदरी हो चुकी है और यह लगभग कर्कश हो चुकी है। एंड इट ग्रेट्स, और यह चुभती है यानी अच्छी नहीं लगती है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गोन, यानी मेरी मधुर कोमल आवाज़ कहाँ चली गई है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गोन, यानी मेरी मधुर और कोमल आवाज़ कहाँ चली गई है। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है। कोल्ड, कोल्ड का तो जाएगा जुकाम होना, सर्दी लगना। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस, यानी इस प्रकार से आवाज़ का भारीपन। गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड, इस प्रकार का आवाज़ का भारीपन एक जुकाम के साथ साथ चलता है, यानी जुकाम होने पर आवाज़ भी भारी हो जाती है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन साधारण जुकाम और मैं हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन साधारण जुकाम और मैं हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, साधारण जुकाम और मैं इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस समय, लेकिन कम से कम इस समय साधारण जुकाम और मुझे कोई लेना देना नहीं है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, लेकिन यदि यह एक असाधारण जुकाम है। ए लाइट बेंटर इट इज माई स्पिरिट, तो मेरी आत्मा के अंदर यह एक हल्का सा मजाक है। बेंटर, ए लाइट बेंटर, हल्का सा मजाक। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, यानी एक साधारण जुकाम सभी मनुष्यों के लिए साधारण होती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन हर बार जब मुझे जुकाम हो जाता है, हर बार जब मुझे सर्दी लग जाती है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, तो यह मेरे अप्पा और अम्मा के लिए, यानी मेरे माता पिता के लिए एक असाधारण जुकाम बन जाती है। लेकिन जब कभी भी मुझे जुकाम हो जाती है तो यह मेरे माता पिता के लिए एक असाधारण अनकॉमन यानी असाधारण जुकाम बन जाती है। दे थिंक, वे सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विथ ए डेंजरस कोल्ड, वे सोचते हैं कि मुझे एक खतरनाक जुकाम हो गया है। वन, खतरनाक जुकाम हो गया है। देट कुड किल, जो मुझे मार भी सकता है। दे फोर्स मी इन टू बेड, यानी वे मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। हु पम्प्स, पम्प्स कर तो जाएगा डाल देना। ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, यानी सभी प्रकार की दवाइयाँ। इन टू माई सिस्टम, यानी जो सभी प्रकार की दवाइयाँ मेरे शरीर में डाल देता है। वे सोचते हैं कि मुझे एक खतरनाक जुकाम हो गया है जो मुझे मार भी सकता है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वे मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। हु पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिंस इन टू माई सिस्टम, और जो मेरे शरीर के अंदर सभी प्रकार की दवाइयों को डाल देता है। वेन आई टीज देम फॉर बींग ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक सुरक्षा करना, आवश्यकता से अधिक रक्षा करना। वेन आई टीज, टीज कर तो छेड़ना। वेन आई टीज देम फॉर बींग ओवर प्रोटेक्टिव, जब मैं उन्हें इस प्रकार से आवश्यकता से अधिक सुरक्षा करने पर जब मैं उन्हें छेड़ता हूँ, चिढ़ाता हूँ। दे ग्रंट, ग्रंट यानी गुर्राना, तो वे गुर्राते हैं। हाउ वुड यू नो, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड ओवर फियर्स, और कहते हैं हाउ वुड यू नो, तुम इस बात को कैसे जानोगे। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड ओवर फियर्स, तुम अभी छोटे हो कि हमारे भयों को समझ सको, यानी तुम हमारे भय को समझने में अभी काफ़ी छोटे हो। ओवर ओनली चाइल्ड, हमारे इकलौते बच्चे, द एप्पल ऑफ ओवर आईज,
एप्पल ऑफ अवर आईज, इसका अर्थ हो जाएगा आंखों का तारा, यानी उसके माता पिता कहते हैं कि हमारे इकलौते बच्चे, हमारी आंख के तारे इकलौते बच्चे, हमारे भयों को समझने में तुम अभी काफी छोटे हो। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसा कि यदि वे मेरे भय को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर्स, आई टू हैव माई फियर्स, मुझे भी मेरे भय हैं। आई टू हैव यानी मेरे स्वयं के भी भय हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, जो दूसरे दिन तक नहीं रहते हैं, दूसरे दिन तक ये भय नहीं रहता है। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन अचानक, यह कहीं भी नहीं रहता है। इट हैज अपीयर्ड, जो प्रकट होता है। इट फील्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स, यानी यह मेरे विचारों को सभी प्रकार से भर देता है। इट फील्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स, यानी मेरे दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं उन्हें सभी प्रकार से भर देता है, सभी प्रकार के विचारों को मेरे दिमाग में भर देता है। एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू, और मेरे सपनों में मंडराने लगता है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं इस भय को दूर करने का, डिस्पेल यानी दूर करने का, इसे भगाने का प्रयास करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से बताता हूँ। ओनली कावर्ड फियर, यानी अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, केवल कायर व्यक्ति डरते हैं। आई एम नो कावर्ड, और मैं कायर व्यक्ति नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवेडो डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन इस प्रकार से यह बहादुरी का विचार अधिक समय तक नहीं चलता है, लेकिन इस प्रकार से यह बहादुरी का विचार अधिक समय तक नहीं चलता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, यानी जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, उतना ही ज़्यादा मैं इससे भयभीत होता जाता हूँ। यानी इस भय के बारे में मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मैं भयभीत होता जाता हूँ। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, यानी मैं अधिक समय तक अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रह पाता हूँ। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से एक अजनबी व्यक्ति बन गया हूँ, मैं अपने आप से एक अजनबी व्यक्ति बन जाता हूँ। टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं अपने आप में प्रसन्न महसूस कर रहा था। वेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, जब मेरी माँ बिना कुछ बोले अंदर आई। सर्वेड द रूम, कमरे का उसने निरीक्षण किया। जेंटली चाइडेड मी, और विनम्रता से मुझे फटकारने लगी। चाइडेड करता तो फटकारना, विनम्रता से मुझे फटकारने लगी। इज दिस रूम, क्या यही कमरा है। और पिगस्टी, पिगस्टी करता तो सूअरों का बाड़ा, वह मुझे फटकारने लगी। इज दिस रूम, क्या यह कमरा है या सूअरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी से वह कमरे की साफ सफाई के काम में लग गई। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन कर दो जाएगा लगन के साथ, यानी उसने अपनी पूर्ण लगन के साथ कमरे की सफाई का काम किया। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, पुस्तकों को वापस बुक केस के अंदर रखा गया, और साइड रैक या फिर साइड रैक के अंदर रखा गया। द केप्स एंड पेंस पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रिन्यूटेड, यानी पेन और ढक्कनों को जो मेरे द्वारा अलग कर दिए गए थे वुड गेट रिन्यूटेड, उन्हें वापस व्यवस्थित किया गया। बिट्स एंड पीसेज ऑफ क्रेयोन्स, यानी टुकड़े और चौक के टुकड़े, दैट डॉट द फ्लावर्स, जो फर्श पर बिखरे हुए थे, वुड गो इन टू द बिन, उन्हें डिब्बे के अंदर डाला गया। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और टेबल के ऊपर से
धूल को साफ किया गया एंड द रूम वुड अगेन एंड द रूम वुड अगेन फ्रेश लुक और फिर वह कमरा फिर से बिल्कुल तरोताजा दिखने लगा, फिर से साफ सुथरा दिखाई देने लगा। हाउ आई हेट हर नाउ वेन सी डज दैट, हाउ आई हेट हर नाउ वेन सी डज दैट, जब वह इस प्रकार से कार्य करती है, हाउ आई हेट हर नाउ, तो मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ, उससे घृणा कैसे कर सकता हूँ। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लगा दी है। नॉक बिफोर यू इंटर, यानी कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ, नॉक यानी खटखटाओ। बिफोर यू इंटर, कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ। बीनीथ द अबोव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, यानी इसके नीचे एक चेतावनी सूचक निर्देश लिखा गया था। माय रूम, यह मेरा कमरा है। लव इट और हेट इट, इसे मैं पसंद करूं और हेट इट, या फिर मैं इससे नफरत करूं। आगे कल पढ़ाएंगे। हाँ एक मिनट, ये फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन है इसके अंदर एक्टिविटीज बी, ये बी वाला देखो, बी के अंदर करना है आपको। एक तो बी छोड़ो, सी के अंदर करना है पहला प्रश्न करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है और पांचवा करना है। 1 2 3 5। फिर डी के अंदर देखो, दूसरा करना है, चौथा करना है और ई के अंदर करना है, ई में करना है पहला दूसरा प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न। अब लेसन नंबर एक के देखो क्वेश्चन, लेसन एक के अंदर देखो, सी के अंदर देखो, पहला ये दूसरा प्रश्न करना है सी के अंदर, तीसरा करना है, चौथा करना है और छठा करना है। डी के अंदर करना है पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न और फिर ई के अंदर करना है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन आंसर करने हैं, आगे कल पढ़ाएंगे।